एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरणी से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम ही उचारे से संयोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम ही उचारे सतनाम वाहे गुरु जी सोरठ महला पंजवां अविनाशी जीअन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन का बर्तन बिरला पावे कोई मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाइया बहुत दुख न होई रहाओ वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की धूर नानक दास बाशै जिन हर नाम हृदय परोई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सजी हुई वडभागी साध संगत सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है इस अपार कड़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। सोरठ राग दे विच श्री गुरु अर्जन देव पातशाह का उचारा है पावन शब्द असी सरवण किया है। ये शब्द अज इस अस्थान तो सतगुरु जी ने सानू हुक्मनामा बख्शिश किया है बख्शिश कर रहे हैं सतगुरु जी। सोरठ महला पंजवां अविनाशी जीन को दाता सिमरत सब मल खोई अविनाशी नाश तो रहत जिहड़ा कदे भी मरदा नहीं है जुगो जुग अटल है जो जीन को दाता सारे जियां दा जो दाता है उसका सिमरन करन दे नाल सारी ही साढ़े अंदर जो पापा विकारां दी मैल है वो लै जांदी है सिमरन दे विच बरकत है। गुण निधान भगतन का बर्तन बिरला पावे कोई अजिहा वाहिगुरु परमेश्वर जो सब दा दाता है जिस दा सिमरन करन दे नाल पापा विकारां दी मैल तो मुक्त होईदा है गुणा दा खजाना है ये भगतां दी बर्तन है भाव भगत जिवें अपने आम कारजां विच जिहड़ा है आपां कुछ अजिहियां चीज़ां हन जिन्हां दी आम वरतों का जिवें माया है
हर चीज़ नूं खरीदण वास्ते माया वरतदे हां। लैण देण बहुता माया दे नाल हुंदे, इहनूं बरतन कहिंदे हन, लैण देण। रब दे प्यारिआं दी बरतन इही है, बिरला पावे कोई पर मिलदी इह दात विरलिआं नूं है। वाहिगुरू परमेश्वर दे नाल जो मिलाप है इह किसे किसे नूं ही प्राप्त हुंदा है। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, हे मेरे मन तू ही जपया कर। गुर गोपाल प्रभ सोई, गुरु स्वरूप जो ज्ञान दा दाता है, गोपाल जो जीवां दी पालना करन वाला है, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं तू ही सिमर। जाकी शरण पया सुख पाईऐ, बहुत दुख ना होई। जिस दी शरण विच पैण दे नाल, जिस दा आसरा लैण दे नाल सारे सुख मिलदे हन, और फिर दुख नहीं आउंदा है। सदा सुख ही सुख है, रहाओ। वट भागी साध संग प्राप्त, तिन भेट दुरमत खोई। बहुते चंगे भाग किसी ने कीते हन, चंगे कर्म पिछले जन्मां दे, तो उसनों गुरु की संगत प्राप्त होंदी है, गुरु की संगत बैठना मिलता है। नहीं तो इंसान जड़ा है, जिमें बहुत ही गर्मी का सताया हो, उसनों पानी का सोमा भी मिल जाए, किसी सरोवर के कंढे पर चल जाए, किसी तलाब पर चल जाए, किसी होर पानी के थां पर चल जाए, तो उत्थे खलो के उत्थे वेख वाख के ही उत्थों आ जाए, इशनान ना करे तो उसकी गर्मी नहीं उतर सकती, ठंड नहीं पवेगी उसमें। बिल्कुल इस ही तरह साढ़े चों बहुतियां की हालत यही रही है। घरों चल के भी आते हाँ, पर संगत च बैठना जड़ा है ये भागों में नहीं शायद लिखा हुआ, इस करके संगत नहीं बैठते हाँ। जल दे विच वड़ांगे तां ही ठंड पवेगी, तां ही गर्मी उतरेगी ना। जिहड़ी मैल है अंदर लगी, पापां विकारां दी, कईआं जन्मां दी लगी हुई है, तरह तरह के दुख कलेश संताप जिहड़े हन चिंबड़े हुए हैं, वो संगत विच आ के बैठांगे तां ही जिहड़ा इन्हां तों साडी मुक्ति होवेगी। पर कहिंदे जिन्हां नूं संगत मिल जाती है, उन्हां दी संगत दे नाल जुड़ के खोटी मत दा नाश हो जाता है। जिन्हें मंदे ख्याल हन मन दे अंदर, ये सारे ही जिहड़े हन खत्म हो जाते हैं। तो अगां जिहड़ा है, क्योंकि गुरु का शब्द हाजिर हो जाता है गुरसिख के अंदर, जिहड़ा हर वेले गुरु के शब्द नाल जुड़िया रहिंदा है, फिर अगां मंदे ख्याल जिहड़े हन आउंदे ही नहीं, मंदी सोचनी आउंदी ही नहीं है। गुरु का शब्द सानू जो ख्याल ही चंगे आउणगे, चंगे काम करन लई प्रेरेगा, असी चंगे काम करांगे। मंदे काम करना करन वल्लों ही सानू गुरु का शब्द वरज दिंदा है। इस तरह ही गुरु का शब्द साडे नाल है, तो असी बोलांगे भी वो गल्लां करांगे जिहड़ियां गुरु नूं चंगीआं लगदियां हन। जिहड़ियां भैड़ियां गल्लां हन, निंदिया चुगली है, उस तों भी अपने आप नूं असी वरज देवांगे। इंज गुरु के शब्द का पहरा लग जांदा है। सो इह पावन उपदेश सतगुरु जी ने सानूं अज इस शब्द के राही हुक्मनामे के रूप में बख्शिश किया है। मुख गल इस दे विच सिमरन दी है। सो संगत वालों देर की मंग की जा रही सी कि मारू राग दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह की वार है, मारू दखणे इस नूं कहिंदे हन। इहदे विच जिहड़ी भाषा वरती गई है वह ज़्यादा लहिंदी बोली वरती गई है, तो इस करके पाठ तो भावें आप सारे कर लेंदे हाँ, पर समझ घट आउंदी है। बहुत ही कीमती ते डूंघा उपदेश है इस वार दे विच। सो अज सतगुरु जी कृपा करन, आप जी ने भी दस दे सिर ते हथ रखना, आपां अज इस वार दी जिहड़ी विचार है लड़ीवार, तां कि लड़ीवार बाणी दी विचार जिहड़ी है ये चलदी रहे, ये अज आपां शुरू करन लगे हाँ। सतगुरु जी बख्शिश कर। मारू वार महला पंजवां, दखणे महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दखणे
ये इस वार दे विच दद्दे दी थां गग्गा शब्द वरत्या गया है, जिवें आपां आम भाषा दे बहुते लोग जिहड़े हन बब्बे दी थां बवा शब्द भी वरत दिंदे हन। सो इंज कुछ शब्द अजिहे हन जिहड़े एक दूजे दी थां वरते जांदे हन। ये गखणे ये दोहरे हन, दोहे इन्हां नूं कहा जांदा है। ये लम्मी हेक दे नाल गाए जाण वाला जिहड़ा दोहा हुंदा है, और आम तौर पर ये जड़े हैं जड़े ऊठां दे उत्ते काफले जाते हैं, ऊठां दे उत्ते अपना समान वेचण वास्ते दूर दूर तक जिवें राजस्थान दे विच जां अरब कंट्रीज़ दे विच जड़ा है वो ऊठां नूं वरतदे हैं। वो जांदियां होयां ये जड़े गखणे हैं ये दोहे जड़े हैं लम्मी हेकना ये गाउंदे, ये सुभा उन्हां दा है। सो गुरु महाराज ने जिहड़ी वनगी है संगीत दी, इस नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वरत्या है। ये सतगुरु जी विशालता है, जिवें वक्खरियां वक्खरियां भाषावां, बाकी दे धर्म ग्रंथ जिहड़े हन केवल एक एक भाषा विच ही हन। कुरान शरीफ अरबी भाषा विच है, होर किसे भाषा दा शब्द नहीं है। हिंदू मत दे जिन्ने भी ग्रंथ हन वो सारे ही संस्कृत दे विच हन, कोई होर भाषा नहीं वरती गई। लेकिन सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह की रहमत है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच उन्होंने बहुत सारिया भाषावान जिहड़ियां साडे देश प्रचलित हैं ये उन्होंने वरतिया हैं, और वक्रे वक्रे इलाकों के अनुसार जिवें लहिंदी बोली है इस ये बहुत ही लहिंदी बोली आएगी। जिहड़े लोग पाकिस्तान वाले पासों आए हैं, इधर पाकिस्तान जदों बनिया सी उस वेले जिहड़ा है उन्होंने पुराने बजुर्गों नूं इस भाषा की समझ लगती है, वह ज वरतते हैं हुण भी वरतते हैं। तुसीं दुकान ते जाओ जिथे किते बैठे मिलन तो ये भाषा नूं आम बोलचाल च वरतते हैं। बाकी अजकल दे जिहड़े बच्चे हैं इन्हां नूं इस भाषा का ज्ञान नहीं है। सो इस करके ही क्योंकि आपां पढ़ते नहीं बोलते नहीं सुनते नहीं हाँ, इस करके सानूं इस भाषा का ज्ञान ना होने करके सानूं भी इहदी समझ नहीं लगती है। सो पंजवें पातशाह दे श्लोक हैं सारे ही इस वार दे विच जिन्ने भी हैं, पौड़ियाँ भी पंचम पातशाह दियां हैं। रहमत कर रहे हैं सतगुरु जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक वाहिगुरु परमेश्वर जो सत है, गुरप्रसाद गुरु की कृपा नाल जिस की सोझी होंदी है। अज यह सतगुरु जी का ध्यान करके आओ प्यार दे नाल जो इस वार दे सतगुरु जी ने उपदेश सानूं बख्शिश किया है वो आपां सरवण करिए। तू चौ सज्जन मंडिया गई सिस उतार, तू चौ चौ का अर्थ हुंदा है कहो, हे वाहिगुरु जी हे मेरे सज्जन जे तू कहें मंडिया मेरे मंडिया मंडिया शब्द जिहड़ा है मेरे वास्ते जिहड़ा है वो वरत्या जांदा है। इस तरह मूँह शब्द आया है इस वार दे, मूँह शब्द भी इस तरह ही मैं वास्ते जां मेरे वास्ते वरत्या गया। गई सिस उतार आपां इधरली बोली विच दद्दा वरतांगे, देई इह लहिंदी बोली है उत्थे इह गग्गा शब्द वरत्या जांदा है, जिवें दखणे दी थां गखणे वरत्या है गग्गा वरते, इत्थे इस तरह ही गई सिस उतार मेरे पातशाह जे तूं चाहें तूं कहें तां मैं सिर उतार के तेरे अगे रखण नूं तैयार हाँ। नैण महिंजे तरसदे कद पस्सी दीदार, पस्सी कदों तेरे दीदार होण, मेरे जिहड़े नैण हन महिंजे मेरे मेरे नैण जिहड़े हन मेरियां अखां तरस रहियां हन कदों तेरे दीदार हन तेरे दर्शन कदों होण। सो तरला लिया है अकाल पुरख परमेश्वर दे चरणां दे विच, अरदास कीती है एक जिंद ने कि हे वाहिगुरु तेरे दीदारां दी प्यास लगी हुई है मैनू, जिवें बबीहा स्वांती बूंद दे वास्ते तरसदा है, और इस ही तरह जिहड़ी मच्छी है पानी तो बिना तड़फदी है, इस तरह ही तेरे दर्शनों तो मेरी ये हालत हो गई है। हर दर्शन कहो मेरा मन बहुत तपता है जो त्रिखावंत बिनीर, जो प्यासा आदमी जिहड़ा है पानी दे वास्ते तरले लैंदा है इस तरह ही तेरे दर्शनों की प्यास मैनू लगी है। महला पंजवां नहीं महिंजा तऊ नाल ब्याह नेह कुड़ावे देख, नहीं नहीं का मतलब है प्यार,
नेह शब्द आम आप वरतने हैं, नेह प्यार वास्ते इतने नीह शब्द वरत्या गया है। हे वाहिगुरु जी महिंजा मेरा तऊ नाल तऊ तेरे नाल मेरा प्यार पै गया है, भाव मैनू तू बहुत ही प्यारा लगता है। ब्याह नेह कुड़ावे गेख ब्याह होर जड़े दूजे हैं, नेह प्यार जड़े हैं होरना नाल जरा प्यार कुड़ावे गेख 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 ददे जिस तरह गगा वरत्या है देखना इत्थे गेख होर जिन्ने भी मैं वेखदा हाँ प्यार सारे झूठे हैं, चाहे बच्चों का प्यार है, चाहे पत्नी पति पत्नी का प्यार है, चाहे रिश्तेदारों का प्यार है, दोस्तों मित्रों का प्यार है, ये सारे ही झूठे हैं। झूठे क्यों हैं कि सदा नहीं रहिंदे हैं, इहदे विच किते कोई विरला है जिथे अखीर तक निभ जाए प्यार दे नाल, नहीं तो किते ना किते जाके विथ पै जांदी है। इस करके इसनूं कूड़ा ने कहा गया है। दूसरा महाराज ने यह भी गल समझाई है कि असीं इत्थे जिवें सरां दे विच कोई आउंदा है मुसाफर आउंदा है कुछ समा रहिंदा है, जिवें प्रौहणा घर दे विच अजिहियां उदाहरणां महाराज ने दित्तियां हन, जिवें प्रौहणा घर विच आउंदा है उसने कुछ दिन रहना है, सदा वास्ते नहीं वो घर दे विच रह सकदा। इस तरह ही संसार दे विच आए हैं, इत्थे कुछ दिनों वास्ते कुछ सवासां दी पूंजी सानूं महाराज ने दे दित्ती है, उन्हां सवासां नूं निभा के पूरे करके आपां सारे ने चले जाणा है। किनूं किन्नी पूंजी दित्ती है वाहिगुरु परमेश्वर ने ये उहनूं पता है, हर एक नूं इक्को जी पूंजी नहीं दित्ती। देखो पति पत्नी हुंदे हन दोवां दे विच्चों किसे नूं थोड़ी किसे नूं ज़्यादा पूंजी दित्ती हुंदी है, एक पहलां चले जांदा है दूजा लम्मा समा बाद विच रहिंदा है। सो इस तरह ये पता नहीं लगता है वाहिगुरु परमेश्वर दे हाथ दे विच किनूं किन्ना कु सवासां दा गफा दे दिंदा है, गफा वरता रहा है उसकी खुशी है मौज है। सो इस तरह सच्चे पातशाह जीओ मेरा तो हुण केवल तेरे नाल प्यार हो गया है, तो मैनूं बाकी दे सारे ही प्यार झूठे दिसते हैं। कपड़ भोग डरावने जिचर प्री ना गेख, कपड़ भोग कपड़े पहनने, भोग तरह तरह के पदार्थ खाने, ये भी मैनू डराने लगते हैं, भाव चंगे नहीं लगते हैं जिचर प्री ना देख। प्री पति नूं कहा जाता है, प्रेम परमेश्वर नूं, इत्थे परमेश्वर वास्ते पति शब्द वरत्या है। जिन्ना चिर मैं हे वाहिगुरु परमेश्वर जीओ हे वाहिगुरु पति जीओ जिन्ना चिर मैं तुहाडे नहीं दर्शन कर लैंदी उन्ना चिर ये पहरे हुए कपड़े तो ये तरह तरह के जो पदार्थ मैं खाण नूं मिलते हैं ये भी मैनूं डराने लगते हैं, भाव मैनूं ये चंगे नहीं लगे। ये सारी प्यार दी खेग है। जिथे बारह माह दे विच भी आपां ये आम उपदेश सुनते हाँ, बारह माह माझ दे विच तां सब नूं पता है, आपां हर महीने कथा करते हैं। बारह माह जिहड़ा तुखारी दा है उहदे विच बहुत प्रेम दीआं अजिहीआं गल्लां जिहड़ियां हन जा के भादों के महीने दे विच जा के कीतीआं हन कि जिहड़ा ये सारे पासे घर आउंदा है बिजली चमकदी है बदल गजदे हन बड़ा घर आउंदा है जीव इस्त्री नूं मच्छर कंक मारदे हन, इस तरह जिहड़े बिंडे हन कीं कीं करदे गग्गू गड़ैं गड़ैं करदे सारा कुछ बड़ा ही चंगा नहीं लगता है, क्योंकि वाहिगुरु परमेश्वर कंत जिहड़ा है वह घर दे विच नहीं है, कल्ली जिंद होण करके। सो इस करके सारा कुछ डरावना लगता है। महला पंजवां, उठी झालू कंतड़े हो पस्सी तो दीदार। हे वाहिगुरु परमेश्वर जीओ उठी मैं उठा, उठी मैं उठा झालू तड़के अमृत वेले कंतड़े, हे कंतड़े हे कंत वाहिगुरु जीओ मैं सवेरे तड़के उठा पस्सी हो तो दीदार, कहदे वास्ते तेरे दर्शन करन वास्ते। देखो सब तो पहला जा सानू तो हदायती ये है गुरसिख नूं कि खाना पीना बाद दे विच है, पहला उठ के गुरु के दर्शन करने हैं। किवें करने हैं? गुरु नानक पातशाह की बख्शी हुई बाणी जपजी साहब का जाप करना है। ये जाप जिहड़ा है गुरु नानक पातशाह के दर्शन हैं, इस तरह ही जाप साहब का जाप करना है, ये दसम पातशाह के दर्शन हैं। इंज सवेरे अमृत वेले उठ के बाणी के दर्शन करने, ध्यान दे नाल प्यार दे नाल बाणी नूं पढ़ना, ये गुरु दे दर्शन हैं। सो ये साडे सारिआं वास्ते है। सवेरे सवेरे उठ के आपां कुछ होर वेखण लग पईए, जिवें अज कल ये रवाज पै गया है कि पहलां उठदिआं ही
मोबाइल हाथ फड़ते रात दे आए मैसेज वेखने शुरू कर देंगे किहड़े किहड़े मैसेज आए हैं बाकी दीआं गल्लां बाद दे विच। ये नहीं, सब तो पहली गल यह है कि उठ के गुरु के दर्शन करने। सो हे मेरे मालक, हे मेरे कंत, मैं सवेरे सिर उठ के तेरे तड़के दर्शन करा। काजल हार तमोल रस बिन पसे हब रस शार हब सारे ही। हे वाहिगुरु जी, आ जिहड़ा कजल अखां दे विच पाउणा है जीव स्त्री है ना, जिंद दे रूप दे विच सारा उपदेश दित्ता होया है। एक कजल सोहना लगन वास्ते शिंगार है स्त्री का, अखां दे विच जिहड़ा है सुरमा पाउंदी है। हार हार गल दे विच पाउणा, तमोल रस इस तरह ही साडे पंजाब विच तां नहीं, बाकी दे सारे सूबिआं च इह जिहड़ा है इह खांदे हन, पान दे बीड़े चबदे हन लोक, मूँह लाल किया हों सारे नहीं, ये इस्त्रियाँ ज़्यादा जड़िया हैं वो इस चबदिया हैं। ख्याल उन्होंने यह है कि काम वाशना ज़्यादा बढ़ती है। सो ये जड़ा है जड़ा पाना का जड़ा रस है, बिन पसे हब रस शार सच्चे पाशाह, ये जड़ा हार शिंगार है ना जड़ा, ये सारा कुछ तेरे दर्शनों तो बिना मैं सब कोई शार स्वाद ही वागू लगता है। भाव तेरे दर्शन ही मेरे वास्ते सब कुछ है, तेरे दर्शनों तो बिना तो ये सब कुछ ही शार है। पौड़ी, तू सच्चा साहेब सच सच सब धारिया। हे वाहिगुरु जी, तुसी सच्चे मालक हो, सब दे मालक हो, फिर सच सच ही हो, सच सब धारिया, सब पासे अपना सच्चा हुक्म वरताया, सब पासे तुहाड़ा हुक्म वरत रहा है। जो तुसी चाहते हो उही को सृष्टि दे विच हो रहा, हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, तेरे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं हो सकता। तू चाहे तो थाप दिंदा है, ताहे जे चाहे तो ये सब कुछ समेट लेना है, ये सारी खेड तेरे हाथ दे विच है। गुरमुख की तो थाट सिरज संसार है, समझण वाली गल है साडे वास्ते। ये वाहिगुरु परमेश्वर ने जिहड़ी सिरजना कीती है ना संसार विच, जिहड़े जीव सानू इंसानी जामा जिहड़ा बख्शा है सानू, इहदे विच वाहिगुरु ने एक निजम बना के भेज दिता है। थाट की हुंदा, एक निजम बन जाना कि गुरमुख की तो थाट के गुरु की शरण विच पै के अपना जन्म सफला करना। ये नहीं कि असी आ गए संसार जे खा लिया पी लिया हस लिया खेड़ लिया बस सौ गए, तो ये रात दिन ही इस काम के लगे रहे, इस काम वास्ते नहीं आए। आप संसार विच आए हाँ तो इत्थे कुछ करन वास्ते वाहिगुरु ने किसी मनोरथ वास्ते भेजिया। सो गुरु जड़ा है, गुरु के उपदेशन सुना है, गुरु के उपदेश अनुसार चल के, गुरमुख का अर्थ ही यह होंगे गुरु के सन्मुख हो जाना, गुरु वालों मुख रखना, भाव गुरु की गल इशारा गुरु का इशारा समझना है। आप गुरु वाल मुख होगा तो गुरु ने तो इशारा ही करना है ना। सो केवल ये शरीर का मूँह ही गुरु वाल ना हो, सागे मन का जरा मूँह है, भाव मन भी सागा जरा है वह भी गुरु की गल सुनता हो, बहुत जरूरी है। सच्चे पातशाह कमाल कर दिती है तू कि ये एक निजम बना दिता है कि संसार विच जीवां ने आ के गुरु के उपदेश के अनुसार चलना है, तो इत्थे अपने जन्म सफला करना है। हर आग्या होए वेद पाप पुन विचार है, सच्चे पातशाह तेरी आग्या के अनुसार ही ये वेद पैदा हुए हैं। पाप ऋषिया मुनिया नूं तूं सोझी बख्शिश की, उन्होंने ये वेद बाणी उचारण की है, जिन्हां दे राही पाप अते पुन दीआं गल्लां नूं नखेड़िया है। उन्होंने विचार की कि आ कम संसार जिहड़े कर लोकी करते हैं ये पाप हैं, तो आ जिहड़े हैं पुन हैं, ये नखेड़ा उन्होंने किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण विस्तारिया। हे वाहिगुरु जी, तुसा ही ये ब्रह्मा नूं विष्णु नूं महेश नूं शिव जी नूं पैदा करके ये तिना गुणा वाली माया जिहड़ी है इसका खिलारा पा दिता है, भाव खेड़े रच दिती है। सो ये जिहड़ा विचार जिहड़ा सी इत्थे साडे प्रचलित है, साडे देश दे प्रचलित है, जिहड़ा आपां रोज़ पढ़दे हां, एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंगारी एक लाए दीवान।
इत्थे प्रचलित विचार है उसे दा इशारा इत्थे है। इहदा मतलब ये नहीं समझ लैना कि कई बार भरम पै जाता है कि गुरु महाराज ने तो प्रवान कर लिया है ब्रह्मा नूं विष्णु नूं तां महेश नूं, उन्होंने कह दिता है कि वाहिगुरु ने इन्हां नूं स्थापित किया है तो इन्हां नूं ये जिहड़ी उह गल कहिंदे हन कि ब्रह्मा रचना करता है, विष्णु जिहड़ा पालना करता है, तो जिहड़ा महेश जिहड़ा शिवजी है नाश करता है, भी इहदा मतलब गुरु जी ने भी इस गल की प्रोड़ता कर दी। ये नहीं है, मतलब एक प्रचलित विचार है जिहड़ा साडे देश दे चल रहा है, वो साडे सामने रख्या है महाराज ने कि सच्चे पातशाह ये जिहड़ी गल कहिंदे हन इत्थे ऋषि मुनि वेदां दे विच जिहड़ी कई कई गल है कि उन तू ही ये ब्रह्मा नूं विष्णु नूं ते महेश नूं पैदा करके फिर तीन गुण माया दे पैदा किए ने, सतो गुण रजो गुण तमो गुण, ये माया दे तीन गुण हैं। सतो गुण दे अधीन इंसान नेक काम करते हैं, संसार में बड़े नेक लोग हैं परमेश्वर की बंदगी करने वाले हैं, इस तरह ही रजो गुण है, रजो गुण ममता का गुण है, ममता जिनी साडे अंदर है जिन्ना परिवार के वास्ते धन दे वास्ते अपने घर वास्ते जिनी ममता है ये रजो गुण है माया का जिहड़ा है। इस तमो गुण है जिन्ने विकार हैं साडे अंदर भैड़े विचार हैं, सो साडा खाना जिहड़ा है वह माड़ा है, पहनना माड़ा है, ये सारा माया का तमो गुण का प्रभाव है। सो ये सारा कुछ जिहड़ा है हे वाहिगुरु जी ये तुसां खलारा विस्तारा खलारा खलारिया होया है। सो पावे खेड सारी तुहाडी ही रची हुई है, नामखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया। सच्चे पातशाह जी नौखंड पृथ्वी पाव इस धरती नौखंडा च वंडिया है सियाणिया ने। सो ये पाव सारी जिहड़ी धरती है इसनों साज के हर रंग सवारिया, फिर इसनों तरह तरह के रंगों के नाल सवारिया होया है। कित कुछ है देखो कित पहाड़ ही पहाड़ हैं, कित जिते समुद्र पानी ही पानी है, कित डूंघिया खड्डा हैं, कित ऐ बिल्कुल ही धरती जिहड़ी है साफ है मैदान है, कित रेत ही रेत है। ये उसने तरह तरह के तरीकों के नाल जिहड़ा है ये शिंगार वाहिगुरु परमेश्वर ने आप बनाया है। कित किस तरह की बनस्पति है, रुख बुके हैं कित कित किस तरह के हैं, सारी धरती दे विच ही सारे पासे ही पानी दे विच भी बहुत सारे हैं बुके जो तरह तरह के हैं, इस दे जीव जड़े हैं वखरे वखरे किस्म के पैदा किए हैं। ये सारा कुछ वाहिगुरु परमेश्वर ने ये इस धरती साज के इसनों फिर शिंगार दिता है। वेकी जन तो पाए अंतर कल तार है, वेकी तरह तरह के वक्री वक्री किस्म के जी पैदा किए हैं। देखो इंसान है, इंसान ही किन्नी किस्म के हैं, एक का दूजे ना सुभा नहीं रलता है। इस तरह ही साडे हाथों दिया जिहड़ियां लकीरां हैं एक दिया दूजे नाल नहीं रलदियां हैं, और यही कारण है कि जिहड़ा अंगूठा है ये अंगूठे दिया जिहड़ियां लीकां हैं इन्हां नूं वेख्या जाता है, इहदे नाल बंदे की पहचान हुंदी है। हर एक दियाँ वक्खो वक्खरियां जिन्ने इंसान वाहिगुरू ने पैदा किए हैं किसी दियाँ अंगूठे दियाँ लकीरां जिहड़ियां हैं दूजे नाल नहीं मिलदियां, इहनूं कहिंदे हैं वेकी वक्खरी वक्खरी। वेकी जन तो पाए अंतर कल तारिया, पैदा करके तरह तरह के जीव हे वाहिगुरु जी अंतर कल तारिया, अपनी कला उस उन्होंने अंदर टिकाई हुई है, कमाल है वाहिगुरु परमेश्वर ने आश्चर्य इंसान नूं वेखो बनाया होया है। एक शरीर जिहड़ा पंजां तत्तां दा बना के हवा है, पानी है, अग्नि है, मिट्टी है, ये इस तरह ही आकाश सागे खाली थान, आकाश किनू कहते खाली थान है, बाहर भी सागे खाली थान है तो अंदर भी सागे खाली थान है। सो ये पंजां तत्तां की ये रचना शरीर रच के फिर इसनों वेखो तुसी सवासां दा थमणा दिता होया है, सवास अपने आप ही चली जा रहे हैं, जिवें जिहड़ा कलौक दा पेंडलम जिहड़ा है एक वारी माड़ा जिहा हिला दो आपे हिली जांदा है, उन्हों जिन्ना आप नहीं खड़ा करोगे उन्हें अपने आप हिली जाना है। बिल्कुल इसे तरह साडे सवास चली जा रहे हैं, और इस सवासां दे नाल अगे दिल की हरकत है, दिल हरकत करता है, खून नाड़ियों में जाता है, कमाल है, आश्चर्य ही आश्चर्य है। जिस चीज़ वाल भी ध्यान मारो तुसी वो कमाल ही है, कमाल है। किवें कोई अंडिया तो जीव पैदा हो जाते हैं, कोई इस तरह जेर तो पैदा हो जाते हैं, जेर भाव जिवें पशुआं दे जिहड़े जीव हैं वो बच्चे सारे जेर तो पैदा होंदे हैं, इस तरह पसीने तो गर्मी तो पैदा हो रहे हैं जिमें कंटोए हैं जो रहा चीज़ जोकां निकल आदियां हैं जो मीह पैंदा है माड़ा जिहा,
ये देखो उदों ही निकल गए जदों गर्मी अत दी होवे मीह पवे। सो इस तरह के जीव जिहड़े बहुत सारे इस तरह उत्पज है धरती दे बनस्पति किन्नी उगी हुई है किन्नी किस्म दा घा ही है रुख बूटे सब कुछ ये सारा कुछ सच्चे पातशाह जी ये सारा तरह तरह की रचना रच के ये विच अपनी कला टिकाई हुई है और आश्चर्य खेल वरत रहा है अपने आप ही। तेरा अंत ना वाहिगुरु तेरा अंत ना जाने कोई सच सिरजन हारिया मेरे सच्चे पातशाह सच्चे वाहिगुरु जी सारी सिरजना करन वाले सारी सृष्टि नूं सजन वाले तेरा कोई पारावार नहीं पाया जा सकता तू जाण है साबे दा आप गुरमुख निस्तारिया। ये जो कुछ तू बनाया होया है हे वाहिगुरु जी इस खेड नूं तू आप ही जाणदा है इंसान नहीं इस खेड नूं समझ सकता। देख लो बड़ा जतन किया है बड़ी बड़ी साइंस बड़ी तरक्की कर गई है जो बंदा मरता है जो निकलता की है किसी अजे तक कुछ नहीं पता लगा ना लगना ही है ये तो भेद है ना रब ने भेद रख्या होया है। सो इस तरह एक खेड है सच्चे पातशाह ये तू जानता है तेनू पता है कि सी ये अंदर तो की निकल गया है सानू नहीं पता लगता कित्थे कित्थों आया है कित्थे चले गया है सानू कोई पता नहीं इस गल का। गुरमुख निस्तारा सच्चे पातशाह ये रचना जिहड़े गुरु की शरण में पै जाते हैं उन्हों का भला कर दिंदा है तो उन्हों का जन्म इतने आना जोड़ा है वह सफला कर दिता है। सो ये पहली पौड़ी के नाल जो श्लोक तीन आए हैं गुरु अर्जन देव पातशाह दे ये मारू की वार जी है गखने के रूप के विचार आप सतगुरु जी ने कृपा की है ये आरंभ की है। आप सारे ने बेनती है कोशिश करो ये पता नहीं बड़ी देर हो गई है दास नूं पता नहीं भावें 40 साल पहल की गल हो जदों ये धन पोठोहार गुरद्वारा है इतने शहर के तोपखाने मोड़ देखो उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा हुई सी आदि तो लैके अंत तक उदों ये जिहड़ी वार सी उहदी विचार मैनूं याद है कि उदों इहदी विचार कीती उस तों बाद जिहड़ा है फिर मौका ही नहीं मिलिया दास नूं भी मौका तुसां बख्श दिता है और आप जी भी इहदा लाहा खट्टो हाजिर होया करो टाइम दे नाल संगत दे विच ताकि फिर एकाग्रता बनती है जदों आपां सह सहज ना आउंदे हन एकाग्रता टुटदी है। सो जे पहले तुसीं देखो कितें भी कथा होंदी है संगतां पहलां आके बैठ जांदियां हन ये आपां इक अजिहा अपना बनाईए अपना जिहड़ा है कि कीर्तन शुरू होना है कथा पहला एक शब्द पढ़िया जाता है देखो सुनो तुसी आके एकाग्रता बने थोड़ी जी सतगुरु जी कृपा करन जो पावन उपदेश आपां अज सरवण कीता है साडे हिरदे जो असे भुला चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।